तो दोस्तों हमारे न्यू ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। हमारे चैनल अंकित मिक्स ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत जो प्यार मिला है उसका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों बहुत दिनों से मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो YouTube पर वीडियो बनाते हैं उससे पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो कितनी अर्निंग होती है। तो दोस्तों इसी क्वारीज को लेके मैंने आज ब्लॉग बना रहा हूँ और आप सबको दिखाऊंगा कि YouTube से जो यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मिडिल यूट्यूबर हैं, कितनी अर्निंग करते हैं। तो आइए आज मैं आपको लेके चलता हूँ, आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि जो यूट्यूबर होते हैं वो एक्चुअली मंथली और ईयरली कितने पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों पहले हमें जाना होगा गूगल क्रोम पे हम जाके जाएंगे सोशल ब्लेड वेबसाइट पे। तो देखिए मैं सर्च कर लेता हूँ सोशल ब्लेड। तो दोस्तों मैंने सोशल ब्लेड वेबसाइट सर्च कर ली है, अब इसको मैं नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं जो पहले नंबर पे सोशल ब्लेड की जो लिंक दी है इसको हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक हो जाएगी आप देखिए बिल्कुल इस सोशल वेबसाइट से आप यूट्यूब ही नहीं सोशल मीडिया की जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे आपकी यूट्यूब हो गए, चाहे आपके ऐप भी होगा, चाहे इंस्टाग्राम होगा, जहाँ से भी अर्निंग होती है उस सारे आप जी ऑप्शन देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन आ रहे हैं यूट्यूब के, ट्विच के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के, टिकटॉक के, जो भी मतलब जहाँ से भी सोशल साइट से अर्निंग होती है वहाँ से हम सारे प्लेटफॉर्म के अर्निंग चेक कर सकते हैं कि पैसे कितने आते हैं। तो दोस्तों मुझे यूट्यूब की चेक करना है तो मैंने यूट्यूब सेलेक्ट कर लिया है। आप जिस चैनल की अर्निंग चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिख सकता है एंटर यूट्यूब यूजर नेम दिख रहा है, तो यहाँ पे हम किसी भी यूट्यूबर का चैनल का नेम इस पर डाल के सर्च करेंगे। जैसे कि एक हमारे मनोज डे होगा जो इनका टेक्निकल चैनल है, तो उसका हम अर्निंग चेक करेंगे उनकी कि वो कितने महीने का मतलब कितनी अर्निंग करते हैं महीने की। दोस्तों यहाँ पे हम अपना उनका चैनल का नाम सर्च करेंगे मनोज डे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे मनोज भाई का चैनल आ चुका है, ये देखिए आप। मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा, इनका बैकग्राउंड थंबनेल लगा हुआ है और यहाँ इनकी ये डीपी आप देख सकते हैं, मनोज डे का चैनल है। तो यहाँ से आप किसी भी यूट्यूबर के चैनल का बिल्कुल पूरा रिव्यू कर सकते हैं, पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं नाम इनका मनोज डे है और यहाँ पर देख सकते हैं आप 1441 इन्होंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं और सब्सक्राइबर 4.31 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं इनके, और वीडियोज़ पर व्यू कितने गए हैं 51,76,712,712,712,712 व्यूज गए हैं और कंट्री इंडिया। चैनल टाइप इनका टेक है क्योंकि टेक्निकल वीडियो बनाते हैं तो इनका चैनल टेक्निकल है। और इन्होंने अकाउंट कब क्रिएट किया, 24 नवंबर 2016 को इन्होंने अपना यूट्यूब अकाउंट बनाया था। तो दोस्तों और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल है, अगर आप सोशल ब्लेड में जो जहाँ हम चेक कर रहे हैं तो इस पर इनकी रैंक 23,983 रैंक है और सब्सक्राइबर के मामले में इनकी रैंक 873 भी रैंक है और वीडियोज में जो व्यू आते हैं उसके मामले में इनकी 23,717 रैंक है और कंट्री के मामले में आप देख सकते हैं 557 रैंक है। और टेक्निकल इनका क्योंकि इनका चैनल टेक्निकल है तो टेक्निकल के जितने भी चैनल हैं यूट्यूब पर तो उसमें इनकी 90 रैंक है। हम थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं वीडियोज व्यू फॉर लास्ट 3 डेज, पिछले 30 दिन में इनके वीडियोज पे कितने व्यू गए हैं आप देख सकते हैं 19 मिलियन व्यूज गए हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज में इनके सब्सक्राइबर कितने हुए हैं, 110 को सब्सक्राइबर मिले हुए हैं और टोटल सब्सक्राइबर वीकली का जो ग्राफ दिया गया है। अब हम आते हैं अर्निंग की बात करते हैं, तो दोस्तों इनकी आप देख सकते हैं एस्टिमेट मंथली अर्निंग कितनी दी हुई है 4.8 थाउजेंड से 76.8 थाउजेंड डॉलर में दी हुई है। तो इसको हम पहले इंडियन रुपए में कन्वर्ट करेंगे, यानी इन्होंने किसी भी महीने में 4.8 थाउजेंड डॉलर का मिनिमम कमाया है, इससे कम नहीं गया है और मैक्सिमम इनका 76,000 डॉलर गया है। अब इसको हम इंडियन रुपये में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अगर मिनिमम अगर हम इनका मिनिमम ही लेके चले मंथली जो इन्होंने अर्निंग किया 4.8 थाउजेंड, तो इसको हम
न्यू स्लाइड में हम कैलकुलेटर से अभी आपको, अभी मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, अब इस पे हम आप देखिए 4.8 थाउजेंड मैंने टाइप करके इनका जी, अभी इसको हम डॉलर को इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो अभी हमारा डॉलर चल रहा है 80 के समथिंग, तो इसमें हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी निकल के आ गया है 38,400 रुपये इनका महीने का है, मंथली है, और ईयरली की अगर हम बात करें तो दोस्तों ईयरली इनका था 57,000। तो इसको हम इंडियन रुपए में फिर से कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे कि इंडियन रुपए में कितना होता है। 57 57,000 इंटू इसमें हम इंडियन रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं 4,56,000 हो रहे हैं मनोज डे के चैनल के। अभी हम एक और आपको चैनल रिव्यू करके दिखाएंगे। तो जैसे आपको कोई भी चैनल की डिटेल चाहिए तो इसमें आप देख सकते हैं एंटर यूट्यूब विजन नेम, तो इस पर हम डालते हैं। जैसे हमारे बड़े यूट्यूबर हो गए राउंड टू हेल का हम चेक करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों राउंड टू हेल का चैनल आ गया है, अब इस पर आप देख सकते हैं 67 वीडियो अपलोड हुए हैं और 13 मिलियन इनका सब्सक्राइबर है। वीडियो व्यूज आप देख सकते हैं और कंट्री इंडिया, इनका चैनल टाइप एंटरटेनमेंट है क्योंकि ये कॉमेडी और मतलब मूवी वगैरह जैसे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और इनका अकाउंट क्रिएट हुआ था 20 अक्टूबर 2016 को। दोस्तों अभी हम इनकी और डिटेल देखेंगे चैनल की, तो आप देख सकते हैं सोशल ब्लेड पे इनकी 8,541 भी रैंक है और सब्सक्राइबर के मामले में 122 भी रैंक है और वीडियोज़ के व्यू के मामले में 2,618 रैंक है और कंट्रीज के मामले में 41 रैंक है और एंटरटेनमेंट के मामले में जो भी यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट के जितने भी चैनल हैं तो उस पर 43 रैंक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी इनको लास्ट 30 डेज में 500 के सब्सक्राइबर गेन हुए हैं, 5 लाख सब्सक्राइबर मिले हैं मतलब प्रीवियस मंथ में। और आप देख सकते हैं मंथली इनकम इनकी 12.6K से लेके 201.9K डॉलर तक है। तो इनको हम और आप ईयरली अर्निंग देख सकते हैं मतलब 151K से लेके 2.4 मिलियन डॉलर तक गई हुई है। अब इसको हम चेंज करके दिखा देंगे इनकी ईयरली इनकम कितनी है। जैसे कि आप मैक्सिमम लेके देखते हैं 2.4 मिलियन, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनकी ईयरली इनकम को। हम इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डॉलर का रेट 80 to 81 चल रहा है। और अभी हम इसका जैसे ही इक्वल निकालेंगे तो देख सकते हैं आप इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो आप देख सकते हैं दोस्तों राउंड टू हेल की जो ईयरली की इनकम है 19 करोड़ 20 लाख रुपये है। इतने में एवरेज मतलब 15 करोड़ से लेके 19 करोड़ 20 लाख तक इनकी ईयरली इनकम जाती है। तो दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबर की इतनी इनकम हो सकती है, आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक और चैनल की आपको इनकम दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे बड़े गांव के हैं, कुछ बड़े गांव के लोग कमेंट करते थे कि मतलब जो आरएस इंडस्ट्रीज चैनल है इनकी इनकम कितनी होगी।
तो दोस्तों इस पे हम पहले सर्च करेंगे, चैनल का नाम डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे बड़े गांव का चैनल है दी आरएस इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं इसका यूजर नेम देख सकते हैं और इनका प्रोजेक्ट मेकिंग से रिलेटेड चैनल है जो ये मतलब इंजीनियरिंग के जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी के इस पर वीडियो अपलोड करते हैं, शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करते हैं, लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो इसकी हम आपको डिटेल दिखाएंगे। इस पर इन्होंने 167 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और सब्सक्राइबर इनके 178,000 हुए हैं, 178,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अभी इनके 100,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। और दोस्तों इनके वीडियोज पर व्यू आप देख सकते हैं 7,54,72,407 व्यूज गए हैं और इंडिया कंट्री इनकी इंडिया ही है। चैनल टाइप पीपल में है, पीपल एंड ब्लॉगिंग से रिलेटेड है और आप देख सकते हैं इनका अकाउंट है 15 सितंबर 2017 का। और हम इसको नीचे और डिटेल में देखेंगे तो सोशल ब्लेड पे इनकी रैंक है 18,170 भी रैंक है और सब्सक्राइबर के मामले में 2,129 भी रैंक है और वीडियोज व्यू के बारे में मामले में 163,025 भी रैंक है और कंट्री के मामले में 1,720 भी रैंक है और पीपल रैंक के मामले में 1,560 रैंक है। दोस्तों अब बात आती है इनके लास्ट 30 डेज में 31,000 सब्सक्राइबर इनको गेन हुए हैं जो अब तक के इनके 59% हुए हैं। और दोस्तों अब आते हैं अर्निंग के मामले में और इनके अगर व्यू की बात करें तो लास्ट 30 डेज में इनके 21.947 मिलियन व्यूज़ गए हुए हैं। और अर्निंग की बात करें हम तो इनकी मंथली अर्निंग है 5.5K से लेकर 87.8K डॉलर तक है इनकी मंथली अर्निंग। और अगर ईयरली अर्निंग की बात करें तो ईयरली इनकी 65.8K डॉलर से लेके 1.1 मिलियन डॉलर तक है। अब इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करके देखेंगे कि कितनी हो रही है अपने इंडियन रुपए में। तो दोस्तों मैं फिर से कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, अभी हम इनको देख लेंगे थोड़ा गेन करने के लिए। हम मिनिमम ही लेके चलते हैं तो 65.8K इसको हम कैलकुलेटर में टाइप करेंगे 65.8K अब इसको हम इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख आप देख सकते हैं 52,64,000 मतलब 52,64,000 रुपए इनकी ईयरली अर्निंग अभी हुई है इनके 100,000 सब्सक्राइबर होने पर। तो दोस्तों अभी सारे यूट्यूबर यही आपको डायरेक्ट यही अर्निंग आपको दिखा देते हैं कि इतनी अर्निंग आई है और इसका इंडियन रुपए में इतना कन्वर्ट होता है। बस दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंजेस है वो हम आपको आज डिटेल में बताएंगे कि सारे यूट्यूबर यहीं तक आपको दिखा देते हैं कि इतनी अर्निंग होगी देखो दोस्तों। बट रियलिटी यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज वगैरह होती हैं, सारे मोनेटाइजेशन से लेके पॉलिसी होती हैं और इनकी मोनेटाइजेशन के बाद जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है चैनल का तो उसकी भी जैसे जितनी भी हमारी अर्निंग होती है। तो अगर आपका चैनल लॉन्ग वीडियो से रिलेटेड है तो उस पर 45% कट करके यूट्यूबर सिर्फ 55% आपको देता है और 45% खुद रख लेता है। अगर आपके चैनल शॉर्ट्स वीडियो का है तो वो 55% कट करके सिर्फ 45% देता है। तो दोस्तों अगर हम इसका इनका चैनल शॉर्ट्स का भी है इसमें और इसमें लॉन्ग वीडियोज में है तो दोस्तों इनका 52,64,000 रेवेन्यू जरूर जनरेट हुआ है। बस इनको इसमें से 45 कट करके 55 की समथिंग इनका 26 से 27 लाख ही बनेंगे मतलब एक साल के। फिर भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मतलब एक आप जो जॉब करते हैं लड़के वगैरह तो उससे भी ज़्यादा आप देख सकते हैं एक साल का 1 ईयर का 100,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद 26 से 27 लाख रुपए इनकी अर्निंग जनरेट होती है। तो दोस्तों अब हम आपको कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज बताएंगे तो कि आपका जैसे आप चैनल क्रिएट करते हैं तो आपका पैसा जनरेट कब होने लगता है, कब हमारे पैसे आने लगते हैं। तो
तो उसके लिए हम आपको YouTube की पूरी पॉलिसी बताएंगे। तो हम पहले YouTube पे चलते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना ही चैनल ओपन कर लिया है। अभी हम अपने चैनल का थोड़ा आपको डिटेल बता देते हैं। तो दोस्तों इसके हम अबाउट में जाएंगे पहले। तो दोस्तों देखिए आप मेरा चैनल 10/17/2023 को बना हुआ था। अभी मुझे 2 महीने हो चुके हैं और आप देख सकते हैं व्यूज़ इस पर 26,399 व्यूज़ गए हुए हैं। और अगर हम सब्सक्राइबर की बात करें तो सब्सक्राइबर अभी इस पर 279 सब्सक्राइबर हुए हैं। और वीडियोज़ की बात करें तो 102 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। और तो दोस्तों इस पर कोई सा भी यूट्यूब चैनल हो आपका तो उस पर अर्निंग जनरेट करने के लिए हमारा चैनल मोनेटाइज होना ज़रूरी है। और मोनेटाइजेशन की कुछ पॉलिसीज होती हैं, तो उसमें सबसे पहली पॉलिसी होती है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1000 कंप्लीट होने चाहिए। और दूसरी पॉलिसी है इसकी कि जो भी हम वीडियो देखते हैं तो उनका जो वॉच टाइम आवर होता है, मतलब कि वीडियो कितने घंटे देखा गया है, तो वो या तो आपके 4000 घंटे पूरे हो जाने चाहिए, मतलब जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं वो आपके टोटल वीडियोज़ को मिला के 4000 घंटे व्यूज अगर हो जाएं, या फिर अगर आपका शॉर्ट्स का चैनल है तो शॉर्ट्स पे आपके 10 मिलियन व्यूज़ आने चाहिए, मतलब 1 करोड़ व्यूज़ हो जाने चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 फर्स्ट टाइम घंटा या 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स वीडियो पर, यानी कि 1 करोड़ व्यूज़ अगर इतने आपके हो जाते हैं तो उस पर आपको मोनेटाइजेशन के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा इसमें। तो उसके बाद यूट्यूब हमारा चैनल रिव्यू करता है कि आपने जो भी कंटेंट डाला है कहीं किसी का उठा के कहीं कॉपी करके पेस्ट तो नहीं किया है, कहीं कोई कंटेंट रीयूज्ड तो नहीं है। तो बहुत सारी पॉलिसी होती है, उन सबको रिव्यू करने के बाद अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है तब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है जैसे रीयूज कंटेंट का आता है या फिर हम कहीं किसी दूसरे चैनल के या इंस्टाग्राम के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अगर हम वीडियो डालते हैं तो उस पर हमारा वो मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका न्यू चैनल है तो आप फिर 30 डेज का दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर सारी कंडीशन पूरी होती हैं तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो उसके बाद गूगल एडसेंस का हमारे पास पिन आ जाता है और उसके बाद हमारा पैसा जनरेट होने लगता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दिखा दिया है कि YouTube से कितने पैसे आप जो यूट्यूबर हैं वो अर्न कर रहे हैं। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आपने उनका देखा है कि करोड़ों में उनके मतलब राउंड पे हल्का हमने आपको देखा है कि एक ईयर का उनका 15 से 19 करोड़ रुपए जनरेट होता है दोस्तों। और अभी हमने RS इंडस्ट्रीज का आपको दिखाया तो 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद उनका 1 साल का 25 से 26 लाख रुपए अर्निंग होता है। तो दोस्तों ये यूट्यूब का पूरी अर्निंग की पॉलिसी थी। आई होप उम्मीद है कि आप सब लोग जो भी आपकी क्वेरीज थी रेवेन्यू जनरेट और यूट्यूब अर्निंग से लेके, तो दोस्तों मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे भी 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाएं। मेरा टारगेट है 6 मंथ में, जिसमें से 2 मंथ हमारे हो चुके हैं, अकाउंट क्रिएट हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 4 महीने में हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएं। तो दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।